सच्चा योगी वह है अर्जुन, जो सारा भेद जानता हो, अपना मेरा और दुनिया का सच्चा स्वरूप पहचानता हो। मैं अपना और दुनिया का अर्जुन स्वरूप बतलाता हूँ, जिसे तुम योगी बन जाओ वह ज्ञान तुम्हें समझाता हूँ। पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु बुद्धि मन अहंकार भी है, निचले दर्जे की प्रकृति मेरी अर्जुन यों आठ प्रकार की है। अब मेरी ऊंचे दर्जे की मिलती है मेरी प्रकृति जभी, जड़ चेतन सचर अचर वाला बन जाता है यह जगत। तभी मेरी ऊंचे दर्जे की जो प्रकृति बखानी जाती है, वो प्रकृति जीव के काया में जो जीवात्मा कहलाती है। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, प्रकृति कहते किसी को, प्रकृति मैंने है स्वभाव नेचर। इस व्यक्ति का नेचर ठीक है नहीं है, इसका नेचर अच्छा है, इसको कहते हैं प्रकृति स्वभाव। जो भी इन आंखों से देख रहा है ना, आठ चीजें हैं, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश और तीन शरीर में और हैं इनके साथ साथ मन बुद्धि अहंकार। ये जितना इन आंखों से बाहर की दुनिया दिख रही है ये कौन है? ये भगवान का स्वभाव, प्रकृति माने भगवान का स्वभाव। अब बारिश आ जाए और धूप भी निकल रही हो तो क्या कहते हैं? बोले ये तो इसके इसकी माया यही जाने। देखो बड़ी धूप भी निकली हुई है और बरसात भी आ रही है। जेठ का महीना हो और कंबल निकलवा देवे उड़ा देवे भगवान, बोले देखो इसकी ताकत का इसी को पता है, क्या करना है क्या ना करना है इसके स्वभाव यही जाने। ये भगवान का स्वभाव है, इसमें किसी दूसरे की चलती नहीं। सर्दियों में गर्मी कर देवे, गर्मी में सर्दी कर देवे, तो इसके ऊपर कौन सा केश लगता है ना? ये क्या है? प्रकृति। और प्रकृति किसे कहते हैं? भगवान के स्वभाव को। ये बहुत गहरा ज्ञान और बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा है, समझाया जा रहा है। जैसे हमारा स्वभाव हमारी प्रकृति और भगवान की प्रकृति है भगवान का स्वभाव, इसको नमस्कार कर दो जैसा भी स्वभाव है मेरे प्रभु का बहुत अच्छा है, और जैसा भी स्वभाव है किसी भी व्यक्ति का ठीक है। अपनी माया वही जाने, आदमी की भी माया हो चाहे इसकी तो यही जाने। किसी के स्वभाव से हमें परेशान नहीं होना, या तो दूरी बनाओ, अगर दूरी बना के रख सकते हो। हमारे को किसी का स्वभाव मान लो पसंद नहीं तो थोड़ी दूरी बना लो उससे, और दूरी नहीं बना सकते कोई मजबूरी है तो फिर सहनशक्ति बढ़ा लो।
उंगली रख लो अपने होठों पे, दांत तले जी रख लो, बोलना नहीं नहीं क्यों नहीं बोलना, शुभ स्वभाव भाव बदल जाते हैं, स्वभाव तो बदलते नहीं, और बदलेंगे तो उसके जब खुद बदलेगा, अपने आप ही तो बदल सकता है स्वभाव को आदमी, दूसरा कैसे बदल सकता है किसी के स्वभाव को। तो भगवान कहते हैं अर्जुन दो प्रकार की मेरी प्रकृति है, दो प्रकार का स्वभाव है मेरा, एक तो जो आंखों से देख रहा है वो मेरी माया है सब, चाहे मैं गर्मी करूं चाहे मैं सर्दी करूं, चाहे मैं 13 महीने बना दे हूं साल में, हिरणाक्ष के लिए पहले 12 महीने होते थे, अब भगवान को 13वां महीना बनाना पड़ा हिरणाक्ष वध करने के लिए, उसने वरदान ही ऐसा मांग लिया, बोले 12 महीनों में कभी भी ना मरूं, भगवान बोले कोई बात नहीं, पुरुषोत्तम मास बनाते हैं, अभी की बार आ रहे हैं 2 सावन, बस अगले महीने में, हाँ तो भगवान है वो, कुछ भी बना सकते हैं वो, 13 महीने बना दिए, अधिक मास पुरुषोत्तम मास, ये तो है मेरे निचले दर्जे की प्रकृति, एक है मेरी उच्च ऊंचे दर्जे की प्रकृति, ये एक तो मेरा रूप ये है जो दिख रहा है दुनिया में, एक रूप मेरा ऐसा है वो दिखता नहीं है, महसूस किया जाता है, वो कौन सा रूप है अर्जुन ने पूछा, बोले वो मेरा रूप है आत्मा, सब में है पर आसानी से दिखता नहीं, दिखता है शरीर, दिखता है शरीर का नाम, दिखती है शरीर की उम्र, दिखती है शरीर की जाति, दिखता है शरीर के द्वारा किया गया कर्म, लेकिन जो उसके अंदर बैठा है आत्मा, महसूस तो होता है कि सब में बैठा है पर वो इतने आसानी से दिखता नहीं, वो मेरा रूप है, वो मेरी ऊंचे दर्जे की प्रकृति है, वो मेरा श्रेष्ठ रूप है, ये निचले दर्जे की प्रकृति है जो शरीर है, सारी दुनिया में जो दिख रहे हैं, ये जड़ चेतन का जगत सभी, भगवान कहते हैं पहले ये सारी दुनिया मेरे गर्भ में थी, जैसे मां के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, लेकिन मां का शरीर फिर भी पूरा का पूरा ही रहता है, मां के शरीर में से कुछ घटता नहीं है, और जिस बच्चे ने जन्म लिया उसका शरीर भी पूर्ण होता है, उसके शरीर में कोई कमी नहीं होती, कोई पूरे अंग होते हैं, भगवान कहते हैं ये सारी दुनिया सब जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य पुरुष स्त्री बच्चे ये सब मेरे गर्भ में होते हैं, जब दुनिया नहीं होती फिर मैं उनको जन्म देता हूँ, अपने अंदर से प्रकट करता हूँ, और जब जितना समय उनका होता है निर्धारित, जैसे जादूगर होता है ना, वो सारा सामान दिखा देता है निकाल निकाल के, हाँ भैया प्यार कर दे तेरा, बोल कौन कौन सी मिठाई खानी है, टेलीविजन भी चाहिए, हाँ वो भी, सब कुछ निकाल कर दिखा देते हैं, और जब जाने से पहले फिर वो समेट भी लेते हैं, जहां से आता है वहीं पे उसको वापस कर देते हैं, अगर वो इतना इतना सामान निकाले तो एक बड़ी गाड़ी भर जावे, लेकिन वो तो दिखाने दिखाने के लिए था, और थोड़ी देर के बाद वो उसको वापस भेज देते हैं, जिसका आस पड़ोस से वो मंगाते हैं, अपने जादूगर का कला है
पास ले जाते हैं। लेकिन भगवान ऐसे दिव्य जादूगर हैं, वो बाहर से नहीं मंगाते कुछ, अपने अंदर से ही प्रकट करते हैं सब दुनिया को। जैसे मकड़ी अपने अंदर से जाला को पैदा करती है ना, बाहर से कुछ नहीं बनाती, भगवान अपने अंदर से ही जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को, सूर्य को, चंदा को, ऋषि मुनियों को, सबको पैदा कर देते हैं। जब उनका खेल पूरा हो जाता है, सृष्टि का कार्यकाल पूरा हो जाता है, फिर से उसको अपने अंदर समेट लेते हैं, फिर से वो सारे जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे उसमें समा जाते हैं। माला के सुभग मोतियों में गिजड़ चेतन का जगत सभी मुझसे ही बाहर आता है, और फिर कुछ समय बाद अर्जुन मुझ में ही लय हो जाता है। माला के सुभग मोतियों में जो धार फिरोया रहता है, क्योंकि मेरा सारे जग में अस्तित्व समाया रहता है। भगवान अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन माला होती है ना, माला कंठ में धारण करते हैं या फेरते हैं, कुछ माला फेरने वाली माला में तो गांठ लगी होती है हर मनके के ऊपर, लेकिन जो गले की कंठी होती है उसमें गांठें नहीं होती, उसमें तो धागा और मनके। धागा तो दिखता नहीं, बहुत कम दिखता है, और मनके दिखते हैं। माला तो बड़ी सुंदर है, मन के तो बड़े सुंदर है, ये कोई नहीं कहता कि धागा तो बड़ा सुंदर है, वो दिख ही नहीं रहा। और माला धागे के सहारे ही है, धागा जरा सा भी कमजोर हुआ, खंडित हुआ, टूटा, बिखर जाएंगे, मोती कहीं का कहीं गिरेगा। भगवान कहते हैं ये जितने मनुष्य हैं ना, दिखते तो ये हैं दुनिया में मोतियों की तरह, पर धागा की तरह आत्मा के रूप में मैं ही बैठा हूं सब में। आत्मा के सारे ये चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आत्मा दिख रहा नहीं किसी को, और शरीर को कहते हैं बड़ा जवान आदमी है, बड़ा सुंदर है। ये जवान और सुंदर जो कुछ है, ये आत्मा की बदौलत है। आत्मा इसमें से निकल जाएगा, चाहे भीम बली हो, धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ेगा और बदबू आने लग जाएगी दो घंटे में, कुछ भी है ही नहीं उसमें। तो कुछ भी मतलब भगवान, भगवान उसके अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान है। मैं सबके ऊपर रहता हूं, मेरे ऊपर कोई और नहीं, मैं सबका मालिक हूं, लेकिन मेरा मालिक कोई और नहीं। कितनी साफ बात बताते हैं भगवान, कहते हैं मैं सबका मालिक हूं, सब में अंदर विद्यमान हूं, मेरा कोई मालिक नहीं, स्वयं सिद्ध हैं प्रभु। होता सबका अंत, पर मेरा अंत न होए, व्यापक हूं मैं सब जगह। होता सबका अंत, पर मेरा होए ना अंत, व्यापक हूं मैं सब जगह, सब में सदा अनंत। वेदों में ओंकार जो है, पूरी सृष्टि में बताते हैं कृष्ण, मैं वेदों में भी हूं, वृक्षों में भी हूं, सब में बताते हैं कैसे, यही विराट रूप है भगवान। उसके जिसमें भगवान ने बोला है
उसको आप कह सकते हो कि आप मेरे ही कृष्ण हो। ठाकुर जी की पूजा करना और उनकी पूजा करना एक ही बात है, कोई भेद नहीं। किसने बताया? कृष्ण ने स्वयं। किनकी? वेदों में ओंकार जो है अर्जुन मैं ही कहलाता हूँ। मिट्टी में गंध और जल में रस में ही माना जाता हूँ। मेरी ही ज्योति चमकती है चंद्रमा सूर्य और तारों में। मेरा ही तेज चमकता है आग के लाल अंगारों में। आकाश में शब्द भी मैं ही हूँ, पुरुषार्थ भी मैं हूँ पुरुषों में। हूँ तपस्वियों में तप मैं ही और प्राण जगत के जीवों में। इस सकल सृष्टि का बीज हूँ मैं और पल हूँ सब पल वालों में। तेजस्वी में हूँ तेज भी मैं और काम विशुद्ध कामियों में। सात्विक राजस और तामस गुण तीनों मैंने उपजाए हैं, लेकिन मैं उनमें रहूं नहीं यद्यपि मुझ में विसमाए हैं। इन सात्विक राजस और तामस गुण में ही सब जग फूला है। दिन रात गुणों में फंसा हुआ रहता मुझको खुद भूला है। जो व्यक्ति कहता है ना मेरे में गुण है और सामने वाले में अवगुण, भगवान ने उसको पकड़ लिया। बोले भैया, दिन रात गुण और अवगुणों में फंसा हुआ है, मुझको भी भूल गया और खुद को भी भूल गया। ये गुण मेरी माया के हैं जो प्रकृति मेरी कहलाती है, और उन्हीं गुणों की रस्सी में सब जग को नाच नचाती है। इस रस्सी से बच जाने का बस एक मात्र जो साधन है अर्जुन, वह मेरा भक्ति सहित और प्रेम सहित आराधन है। भगवान कहते हैं मेरी माया की रस्सी है, उसने सबको जकड़ रखा है। एक ही तरीका है उस रस माया से बचने का, और वो उपाय है मेरी भक्ति करना और मुझसे प्रेम करना। पहले वे हैं होते चार प्रकार के जीव मेरे अनुरक्त, अर्जुन है इससे मेरे चार तरह के भक्त। चार प्रकार के भक्त होते हैं मेरे, अर्जुन ने पूछा, एक एक करके बताओ कौन कौन से भक्त हैं आपके। पहले वे हैं जो रोगों से भय पाकर मुझे बुलाते हैं, दूसरे हैं वे जो धन धरणी पाने को मुझे रिझाते हैं, तीसरे ज्ञान के इच्छुक बन मेरा गुण गाया करते हैं, चौथे वे हैं जो योगी बन मुझ तक आ जाया करते हैं। पहला तो है परेशान व्यक्ति मेरा भक्त, जो दुनिया में सबने दुखी कर दिया उसको कहते हैं आर्त भक्त। वो बेचारा कोई रास्ता दिखता नहीं तो ऊपर हाथ खड़े हो जाते हैं, उसके हार गया थक गया कोई रास्ता नहीं, हे प्रभु आप ही हो मेरे तो बस मुझे बचाओ मेरी रक्षा करो। दूसरा है शरीर में कोई कष्ट नहीं, मन में कोई कष्ट नहीं,
लेकिन गरीबी है। वो भी कहता है, प्रभु मेरे कुछ फर्ज हैं दुनियादारी के, उनको पूरा करने के लिए माँ लक्ष्मी से कहो कृपा करें कुछ। वो भगवान के भक्त हैं। दूसरे तीसरे होते हैं, प्रभु सब काम बन गए, आपकी बड़ी दया है, थोड़ी सद्बुद्धि दो, कुछ मेरे को ज्ञान दो, भक्ति करना सिखाओ, भक्तों की संगति दो। ऐसे भक्त होते हैं। और चौथे भक्त होते हैं योगी। योगी कहते हैं, प्रभु मुझ में तुझ में कुछ भेद नहीं, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भाग तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। 24 घंटे इसी बात को रटता रहता है आदमी, मन से, वाणी से नहीं, मन को बुद्धि को भगवान को सौंप दो। जिसको ये समझ आ गई कि मैं भगवान का एक अंग हूं, भगवान का ही तो अंग हूं, अब आपका हाथ और आपका हाथ को अलग से बुद्धि मिल जाए और आपकी बुद्धि अलग हो और आपके हाथ की बुद्धि अलग हो और आपका हाथ ढूंढता फिरे कि मुझे वो कब मिलेगा जिसका मैं हाथ हूं, और तो मिला हुआ ही है, वो तो लगा पड़ा है, उसका अलग है थोड़े ही, क्या समझे। हाथ ढूंढ रहा है, कहाँ है मेरा मालिक, मालिक कहता है तो मेरे हाथ में तो हाथ है लगा हुआ है, ढूंढ रहा किसको है, पागल हो गया है क्या, मूर्ख हो गया, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दे, मेरा ही तो है, मेरे पास ही है तू। तो व्यक्ति क्या है, हम कौन हैं, हम भगवान के अंग हैं, कोई तो भगवान के हाथ है, कोई भगवान के पैर है, कोई भगवान के नाक, कोई भगवान का आंख, हम सब भगवान के अंग हैं शरीर के। भगवान का तो विराट शरीर है, ये जितने पेड़ पौधे हैं ना सब भगवान के रोम रूप हैं, जितने नदी नालियां हैं दुनिया में सब भगवान की नसें हैं, ये संसार भगवान का उदर है, पेट है, पाताल लोक भगवान के चरण हैं, आकाश ये स्वर्ग लोक भगवान के सिर हैं। तो हम सब भगवान के अंदर में हैं, भगवान के अंग हैं शरीर के, और ढूंढ रहे क्यों, सिर्फ अपने बुद्धि को अलग प्रयोग करके, अपने बुद्धि का प्रयोग करना ही नहीं, इतना सोचना है भगवान के अंग है, हम तो आनंद कर रहे, हाँ मेरे प्रभु अपने आप संभाल लेंगे। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, बच्चे को अलग से चिंता करनी पड़ती है क्या कि मेरे लिए कूलर लगाओ और मेरे को आइसक्रीम खिलाओ, ना, माँ को ही चिंता करनी है, उसकी भी और अपनी भी, माँ को ही चिंता करनी है, माँ ही देखेगी कहाँ बैठूं क्या खाऊं जिससे बच्चे को परेशानी ना आवे। हम भगवान के अंदर ही पड़े हैं सब, भगवान गर्मी कर रहा है तो हमारे लाभ के लिए, बरसात कर रहा है तो हमारे फायदे के लिए, सर्दी करता है तो हमारे लाभ के लिए, उसको पता है जैसे मेरे बच्चे ठीक रहेंगे वैसे ही मौसम, वैसे ही अन्नधन, वैसे ही लाभ, वैसे ही समाज की दुनिया सब वैसे बनाते हैं। अब दो भक्त जा रहे थे, ऐसे भोले भाले थे, उसने देखा तरबूज होते हैं ना आजकल,
तरबूज की बेल देखी। अब बेल देखी तो बेल पतली और तरबूज इतने बड़े बड़े लगे हुए पांच पांच छह छह किलो के। ले बताओ भाई बेल तो कितनी पतली और फल कितने बड़े बड़े। दूसरा कहने लगा बेल देख रहा है कि चल रहा है, चल अपने काम। चुप कर गया, चलते बने। आगे जाके बड़ का पेड़ था। अब बड़ के पेड़ के नीचे से बोले थोड़े आराम भी कर लो। आराम करने लगे, ऊपर देखा बड़ा वृक्ष है लंबा चौड़ा। एक बात है भैया, भगवान भी पागल तो नहीं हो गया? बोले क्यों? वो जो इतने बड़े बड़े तरबूज थे इसमें बड़ में लगाने थे, इतना बड़ा पेड़ है। अब इतने में एक कौआ आया और उसने एक बरबटा सिर में लगा आके पत्थे में। अरे भगवान तो बड़ा समझदार है, इतना बड़ा तरबूज गिर जाता ऊपर से सिर में फूट जाता कि नहीं? हाँ भैया तो समझदार है भगवान, तो सब काम अच्छी तरह से करता है, सोच समझ के करता है। तो उसी तरह से गर्मी कर रहा है, सर्दी करता है, बरसात करता है, हेमंत शिशिर पतझड़ छह ऋतुएं तो होती हैं भारतवर्ष में, वो सब सही करता है। और व्यक्तियों की आयु भी सब सही बना रखी है उसने। अगर पहले जैसी 10-10 हजार साल की उम्र अब बना देता, पैर रखने को जगह नहीं मिलती दुनिया में, और बच्चों को कॉपी में लिखना पड़ता ये क्या लगती है हमारी, ये क्या लगती है हमारी। अब 10 हजार साल तक के बच्चों को क्या याद रहेगा? बोले लगती तो हमारी है, ये पता नहीं क्या लगती है। तो ये तो ठीक है कि भगवान कहते हैं अब चलो तुम नए की बारी आने, तो जल्दी कर देता है काम। उस समय तो सत के युग थे, आदर मान सबका भगवान समझते थे। भगवान ने 10-10 हजार साल की आयु थी, सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु थी आदमी की, जगह खाली पड़ी थी। अब अपना रहो आराम से, कहीं पे भी रहो। अब तो जगह ही का झगड़ा है और जगह कम नहीं है, पर प्रेम तो कम हो गया। एक कमरे में 5-5 घर रह लेते थे, उसमें भी आनंद था। अब 5 घरों में 5 आदमी गुजारा नहीं कर सकते। बोले पशुओं का तो अलग चाहिए, गाड़ी का अलग चाहिए, आदमियों का अलग चाहिए, मेरी कोठी अलग चाहिए, बच्चों की अलग चाहिए, सबको अलग अलग। तो ऐसा है जगह तो अब भी, लेकिन प्रेम पहले से कम। भगवान कहते हैं भैया 4 प्रकार के भक्त हैं, इन चारों में जो पिछला है योगी भक्त वो मुझको बड़ा प्रिय है, बाकी तो सब व्यापारी हैं। कहते हैं हमने नाम जप लिया, देव फल देव। इन चारों में सबसे पिछला बस योगी भक्त मुझे भाता, अर्जुन वह एक न एक दिवस निश्चय मुझ तक है आ जाता। योगी अपने मन से मुझको माना करता, परमात्मा है और मैं यह माना करता हूँ योगी तो मेरी आत्मा है। लेकिन जग के अधिकांश जीव माया के चक्कर में आकर नाना देवों को भजते हैं, नाना भोगों की इच्छा कर। कृष्ण को तो वही भजते हैं जिनको भगवान की जरूरत है, भगवान से जो मिलना चाहते हैं, और बाकी तो सब देवताओं को वही भजते हैं जिनको कुछ न कुछ लेना होता है।
नाना भोगों की इच्छा करके नाना प्रकार के देवताओं को भजते हैं। मुझको तज दूसरे देवों को जब जनता ध्यान लगाती है तब उन देवों में ही उसकी श्रद्धा दृढ़ हो जम जाती है। जिस मनोकामना को लेकर जन उनमें भक्ति बढ़ाते हैं उस मनोकामना को अपनी वो निश्चय ही पा जाते हैं। लेकिन यह मनोकामना सब यद्यपि मुझसे दी जाती है पर जनता यही समझती है वह सब देवों से आती है। देखिए सरकार कोई चीज दे रही है, सरकार जब कोई वस्तु बांटती है तो हम या तो सरपंच के पास में जाते हैं लेने के लिए या डिपो वाले के पास में जाते हैं। आम आदमियों को तो ऐसा लगता है भोले भाले लोगों को तो डिपो वाले ही बांट रहे हैं, लेकिन समझदार लोगों को तो पता है ये तो सरकार से आता है, इसका कुछ नहीं है इसमें। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये जो लोग जगह जगह भटकते फिरते हैं ना, कभी किसी कोने पे, कभी किसी गली में, कभी किसी मोड़ पे, कभी जिस जिस देवता को भजते हैं और अपने अपने मनोकामनाएं पूरी करते हैं, मनोकामनाएं तो उनकी जरूर पूरी हो जाती हैं, लेकिन जैसे वो देवता के पास भक्त लोग जाते हैं प्रणाम करते हैं, हे देवता मेरी ये मनोकामना पूरी करना, वो तो जल चढ़ा के घर तक जाते हैं और वो देवता मेरे पास आके बैठ जाते हैं और कहते हैं प्रभु एक बुढ़िया आती है रोज रोज। हाँ अब भगवान जी देखो हम भी छोटे मोटे दुकानदार हैं, अब हम हमारी वो इतनी मानता करती है, हम अगर कुछ नहीं देंगे उसको तो हमारा पत्ता साफ हो जाएगा, कोई मानेगा ही नहीं, और दें तो कहां से देवे, कुछ हमारे पास है ही नहीं। भगवान कहते हैं फिर आप क्या चाहते हो, तो वो देवी देवता कहते हैं प्रभु हम कुछ चाहते नहीं, हम तो इतना ही चाहते हैं जो उसने मेरा नाम जपा है ना वो तेरा ही नाम है, उस नाम को तो तुम ही संभाल लो और उसके समान मेरे को दे दो, उस तक पहुंचा दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण से लेकर के ही सब माताएं सब देवी देवता कृष्ण से मांगते हैं और दुनिया को बांटते हैं। इसके बिना खजाना है ही तो नहीं किसी के पास, ये सरकार से लेकर के चाहे डीसी हो चाहे एसडीएम हो चाहे कोई भी हो चाहे सेक्रेटरी हो पंचायत के, सरपंच हो, मेंबर हो, डीपू होल्डर हो, कोई भी हो, चाहे समाज सेवी हो, लोगों को कहते हैं मैं करवा दूंगा तेरा काम, काम तो सरकार ही करती है, चलो उनका भी त्योहार साल में 360 आते हैं, सनातन धर्म है ये, यहाँ पे हर रोज त्योहार होता है, जिसको त्योहार मनाना आता है ना, हमारा सनातन वैदिक धर्म ऐसा है रोज त्योहार है। साल के नित के नए त्योहार 360 साल में आते हैं, 360 त्योहार आते हैं एक साथ, शायद ये मैंने पहले बोला था।
भगवान कहते हैं जिस मनोकामना को लेकर जन उनमें भक्ति बढ़ाते हैं, उस मनोकामना को अपनी वे निश्चय ही पा जाते हैं। लेकिन यह मनोकामना सब यद्यपि मुझसे ही जाती है, पर जनता यही समझती है वह सब देवों से आती है। मनोकामना किंतु यह सदा न रहती साथ, रह जाता फिर एक दिन प्राणी खाली हाथ। कुछ भी मांग लो दुनिया की वस्तुएं, आप कुछ भी मांग के देख लो, ये सारी बुढ़िया माताओं को 10-10 तोले सोना दे देवे और बच्चों को पता लग जावे एक बार सोच के देखो, चाहे उनको 2-4 दिन घी का चम्मच लगाना पड़े, चाहे उनको 4-5 दिन हफ्ता पैर पोछने पड़े, पर वो 10 का 10 और बुढ़िया फिर खाली की खाली। यही है, बस इतना ही रिवाज है दुनिया का। आप कुछ भी ले लो भगवान से और संसार की क्या वस्तुएं मांग सकते हैं, गाड़ी घोड़े मांग लेंगे, जमीन मांग लेंगे, इससे ऊपर बेटे पोते मांग लोगे, इससे ऊपर क्या धरा है इस दुनिया में मांगने के लिए। कुछ तुम्हारे पास कोई छोड़ने वाला नहीं है, कुछ भी मांग लो। जमीन के 20-20 किले जमीन के तुम अपने नाम करा लो, कुछ नहीं है, तुरंत ही जल्दी और जल्दी काम तमाम करेंगे। तो भगवान कहते हैं ये मनोकामना जितने भी पूरी हो जाएं, संसार के और घर के लोग ऐसे होते हैं खाली कर देते हैं तुरंत, जाओ कुल्फी के ऊपर का लिफाफा होता है ना, वो लिपटा रहता है कुल्फी के ऊपर, उसी के वजह से वो बची रहती है और सबसे पहले उतार के उसी को फेंक देते हैं। अब बुढ़िया की वजह से घर होता है, अब सारा घर एक बार उनके नाम हो जाए, जमीन जमून घर घुर सब कुछ ऐसे उतारा, चलो अब क्या करना है, अब तो गुरु जी जाने और तुम जानो, हमारा कोई वास्ता नहीं है। हाँ चाहे सन्यास ले लो माँ, हाँ अब तो तुम बाबा जी की वहीं जोगी रह गए बस। वही तो बात है, तो भगवान वही तो कह रहे हैं, वही भगवान की भक्ति करके दुनिया की चीजें मत मांगो, भगवान से एक ही वस्तु को मांग लो कि आप मिल जाओ और अपने चरणों में लगा लो। इसलिए कामना पाने की अभिलाषा जो चित्त में धरते हैं और उस अभिलाषा से पूजा नाना देवों की करते हैं, अर्जुन वे थोड़े दिन तक ही ऐश्वर्य भोग सब पाते हैं, उन भोगों का होते ही अंत बस ज्यों के त्यों रह जाते हैं। कुछ भी मांग लो दुनिया में, सबसे पहले व्यक्ति को जब समझ आती है
धन दौलत से भी पहले व्यक्ति एक चीज मांगता है भगवान से, जब समझ आती है उसको ये होता है कि मेरे जैसा एक और मिल जाए मेरे को। कौन? मेरे विचार जिससे मिल जाएंगे सारी। और आजकल तो ऐसा हो गया, दुनिया की सारी चीजें दांव पे लगा करके एक व्यक्ति के लिए माँ को भी छोड़ देते हैं, बाप को भी छोड़ देते हैं, रिश्तेदारों को भी छोड़ देते हैं, गांव को भी छोड़ देते हैं, और बोले चलो जहां तू कहेगा वहीं चलेंगे, और चाहे सिम से निकलते ही छोड़ देवे। हाँ, बाहर निकले दो दिन के बाद वो अगला कह देगा भाई मैं तो जानते ही नहीं तेरे को, तू कौन है और हम कौन, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। लेकिन कितने भी अच्छा व्यक्ति मिल जाए, अपनी पसंद का भी मिल जाए, सारे विचार भी उससे मिल जाएं, दुनिया के सारे सुख दाव पे लगा के भी अपनी पसंद का व्यक्ति ढूंढ लिया जाए, व्यक्ति इस बात का तो फिर भी याद नहीं करता, ये भी बिछड़ेगा, ये भी तो बिछड़ेगा, वो ये याद ही तो नहीं करता व्यक्ति। कोई दुनिया में ऐसा जीव है ही नहीं जो बिछड़े ना। जन्म देने वाली माँ होती है, संभाल संभाल के रखती है और बच्चों को छोड़ के चली, उसको भी जाना पड़ता है। बोले माँ सी मर गई, बताओ सबसे बड़ी तो बात है ही, बेचारे हो गए हम तो। बोले क्यों? बोले माँ ही चली गई, हम कौन। जब माँ ही चली जाती है बाकी लोगों का क्या विश्वास करते हो? एक पल का भरोसा नहीं। यहां भी छोड़ सकता है कोई भी, और छोड़ के जब बिल्कुल भी जा सकता है। ये बात दुख की नहीं है, ये सच्चाई की बात है। मतलब पहले से ये बात को याद रखना चाहिए, ये तो एक दूसरे के हेल्प करने के लिए जो बने हैं सब लोगों के आपस में प्रेम। दो दिन की हेल्प है कि 10 दिन की है वो भगवान जाने। हरिओम, कुछ गड़बड़ी हो गई, सत्संग करना तरह नहीं अभी करेगी और नहीं रखवाली तो करेगी। हाँ, गैलरी में मंजा घेर दो, हवा लगती है माँ, हवा लगती है, यहीं बैठी रहो, देखती रहो आते जाते को, आप इसी में सोते रहे। साथ रहने वाले उन भोगों का होते ही अंत, बस ज्यों के त्यों रह जाते हैं। अर्जुन वे थोड़े दिन तक ही ऐश्वर्य भोग बस पाते हैं। मांग तो लिया सब कुछ, और शरीर अगर साथ ना देवे तो भी किसी काम का नहीं। वस्तु मिली रहे, सामने पेड़े रखे हों, और डॉक्टर चिकना भी और मीठा भी दोनों चीज बंद कर दे रहे, अब पेड़े रखे रहो, खून भुगता रहे। मीठा भी है और चिकना भी है, और यह भी पता है स्वाद भी बड़े हैं। जब अपना शरीर काम ही नहीं कर रहा उसके लिए, तो किसी काम के लिए वो चीज। इसलिए दुनिया की चीज देखो, हिरणाक्ष था तो राक्षस, पर बहुत ज्यादा चतुर चलाक था, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने, सब कुछ मांग लिया। ना तो दिन में मरू, ना रात में मरू, ना 12 महीने में मरू, ना आदमी से मरू, ना स्त्री से मरू, ना मनुष्य से मरू, ना देवता से मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू। मतलब क्या कमाल की बुद्धि थी उसकी, सब सब कुछ तो कुछ छोड़ा ही नहीं उसने। अस्तर से मरू, ना सस्तर से मरू, हम तो इतना मांग भी नहीं सकते, इतनी अकल भी नहीं, राक्षस उनके भी ज्यादा थी हमारे से तो। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ है, उसके सारे वचन पूरे कर दिए और मार दिया। मतलब भगवान कहते हैं भैया मेरे को छोड़ के कुछ भी मांग लो, भला होने वाला।
नहीं है, मुझे ही मांग लो, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ मांगना ही नहीं, बस एक बार में मुझे ही मांगो। फिर और बात ये होती है वे लोग न मुझ तक आ पाते, बस जिनकी पूजा करते हैं उन्हीं तक जाकर रुक जाते। देखो बोले और देवी देवताओं को मानोगे वो चीज कुछ मिल जाती है, वो मेरे से ले जाते हैं मांग के, लेकिन एक बड़े अनर्थ हो जाता है, वो लोग मेरे पास कभी नहीं आ पाते। वो कितने भी भक्ति कर ले में वहीं पे अटके रहते हैं, हर जन्म में वहीं पे रुके रहते हैं, बस तूने में टोटके में तांतर में लाने में, कहीं चौराहे में रख दिया, किसी के कोले पे रख दिया, किसी पे कहीं रख दिया, किसी के गुब्बारे कहते हैं ना गोसे पाते हैं उनमें रख दिया, किसी के डंगर पुस्तों में, किसी की छत पे फेंक दिया, किसी का कुर्ता उठा के ले गए, बोले हमारे लड़के की पुस्तकें नहीं मिली है। हाँ देखना गुरु जी, तो बात ये है जो ऐसे उलझन में उलझ के रह जाते हैं ना लोग, भगवान कहते हैं मैं कभी नहीं मिल सकता हूं, और जो मुझे भजते हैं दुनिया की सारी वस्तुएं उनको मिल जाती हैं, प्रत्येक इच्छा उनकी मैं पूर्ण करता हूं, जो जो मांगे ठाकुर अपने से और सोई सोई देवे, और सब कुछ देने के बाद जब जीव यहां से चलता है ना, उसका हाथ पकड़ के उसको विमान में बैठा करके मैं अपने लोक में ले जाता हूं, रास्ता भी पूछने की जरूरत नहीं किसी से, कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती, मैं ही उसका जन्म जन्म का परम पिता परमेश्वर परमात्मा रक्षक स्वामी, मैं ही उसकी चिंता करता हूं, उसको अपने चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मूर्ख और अज्ञानी हैं वे ठीक नहीं जाना करते, आंखों से दिख पड़े ऐसा वे रूप मेरा माना करते, वास्तव में मेरा रूप कभी आंखों आगे नहीं आता है, है माया पट में ढका हुआ इसलिए नहीं से एक दो रास्ते हैं, या तो बढ़ जाओ मेरी तरफ या पड़ो झमेले में, झमेले से निकलो, उस मेले से निकलो, उस भीड़ से निकलो, और बस इतना सा याद रख लो मैं भगवान को भगवान ले, और यदि सबको सब में उलझोगे हर्ष शौक दुख सुख इसमें अगर उलझोगे फिर तो रोज बोले इसने ऐसा क्यों कह दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, ये बच्चे मानते क्यों नहीं,
ये अपने अपने क्यों चलाते हैं, मेरे को पूछा क्यों नहीं। एक बार इस सृजन में पड़े भगवान कहते हैं गए काम से। हाँ अब तो बस मकड़ी के जाले में उलझ गए। अब रात को सब बच्चे तो सोएंगे, ऐश आराम करेंगे, और गुड़िया तो बार सोचती सोचते 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 भैया उसकी तो खुद की गीता बन जाएगी, एक नई गीता अर्जुन। हाँ करवट बदलते रहेगी। हे भगवान मैंने कितने मेहनत करी थी इनके लिए, फिर भी ऐसा ऐसा बोल गए मेरे को, क्या करा है तुमने। उसमें ही पड़ी रहेगी। भगवान कहते हैं उससे निकल के ये सोचो मेरे एक ही मंत्र बोलना है। क्या मेरे प्रभु की बड़ी कृपा। जैसे ही विश्राम करने के लिए चलो, चाहे कोई 70 गालियां ले जावे, ये सचो देखो अपनी जवान बंदी कर रहे हैं। इतनी अकल है इनको, इन्होंने कौन सी गीता पढ़ रखी है, गालियां ही पड़ी है। तो गालियों की माला जपेंगे। हम तो रोज कथा सुनते हैं और कथा में तो एक ही बात सिखाई जाती है, हम तो भगवान के, भगवान हमारे। तो भैया ये गालियां देने वाले तो नशे में हैं, और नशे वाले का क्या बुरा मानना। किसी ने तो शराब का नशा कर रखा है, और आप तो निकलता निकलता उल्टा सीधा बड़बड़ करता जा रहा है कोई भी। आप उससे बात करोगे रोक के, चार लोग कहेंगे माँ घर जाओ। हाँ क्या आप किससे बात कर रही हो, शराबी से उलझ रही हो ना, चलो अपने घर। ये तो मूर्ख है, इससे क्या उलझना, नशा है उसको। उसी तरह से जो भी गालियां देने वाला आदमी है उसको नशा होता है। किसी को तो धन का नशा, किसी को जवानी का नशा, किसी को अहंकार का नशा, किसी को अपनी कमाई का नशा, किसी को अपने घर का नशा, किसी को अपने भाईचारे परिवार का नशा। हाँ ये तो अकेला, हम 20 घर हमारे एक मिनट में थपेड़ कर देंगे। ऐसा ही तो होता है, किसी को राजनीति का नशा, किसी को सरकारी नौकरियों का नशा, ये सब नशा ही है। जिसको किसी चीज का नशा है ही नहीं वो तो गाली दे ही नहीं सकता, क्या किस बात की गालियां देगा वो, उसको तो पता है भैया जरूर देंगे। अहंकार होता है तो आदमी उल्टा सीधा बोलता है किसी को, जिसके अंदर अहंकार ही नहीं है, नशा है ही नहीं। तो एक ही नशा है भगवान के नाम का, वो भगवान के सावन वाले भगत भी आने वाले हैं अब अगले महीने में, कच्छेधारी भगत। हाँ वो गाते हैं बोले किसी को तो भंग का नशा है, मुझको तेरा नशा है। भोले के भगत होते हैं ना, साल भर नहीं दिखते। हाँ बस दिन रात्रि से 4 दिन पहले दिखेंगे, क्रिकेट की टीम की तरह 10, 11, 15, 20 आएंगे इकट्ठे। और किसी को ये नहीं है साल में तुम जा रहे हो और 10-10 रुपए यहाँ मत्था टेक के जाओ ना, वहां पे 5-5 हजार धूप पे आ जाएंगे ना, तो आने के बाद जल चढ़ाएंगे कावड़ चढ़ाएंगे। इतनी समझ नहीं है कि अपना मंदिर है, साल में तुम आए हो 10-10 रुपए चढ़ा दो, अकल ही नहीं। कच्छे ले आएंगे, बनियान ले आएंगे, उन पे खर्च कर देंगे, खूब खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, खिलकियां मारेंगे, राम को जाप नहीं, उनके हाथ में माला नहीं हो सकती। हाँ ये ध्यान रखना। हाँ बस उनका तो अपना ही नशा होता है। तो मतलब क्या है, अच्छी बात है, 12 त्योहार है मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन जाने से पहले माँ बाप का आशीर्वाद लेके, गुरुओं का आशीर्वाद लेके और शांति से। अगर माँ ने कहा है ना बेटे शरारत नहीं करनी, शरारत नहीं करनी चाहिए। अगर गुरुजी ने कहा है ना किसी से झगड़ा नहीं करना, जाओ
झगड़ा नहीं करना किसी से दूसरे प्रांत में जाकर के, तो शांति से आना चाहिए और शास्त्रीयता से। ये नहीं है कि हुक्का ले जाओ और गंगा में रख दो जाके, कोई नियम कायदा कायदा कानून नहीं है ये। ऐसे हुक्का पीने वाले वो बाबा रंगपुरी नहीं है। हाँ, भी हुक्का के बिना उनका काम ही नहीं चलता। भगवान की भक्ति के लिए जा रहे हो कि हुक्का पंचायत करने जा रहे हो, वहां पे हुक्का होता है अपने घर में, अपने नौरे दरवाजे में, अपनी बैठक में, अपने भाईचारे में, अपने धर्मशाला में। हुक्का लेके जाओ, धर्मशाला है वहां पे, अपने धर्मशाला में रखो। गंगा के किनारे और गंगा के बीच में हुक्का ले जाने का कौन सा मतलब है? भगवान देखते हैं, गंगा मैया देखती हैं, ऐसा उनको उठा उठा के पटकेंगे जो गंगा में हुक्का लेके जाते हैं। सात पीढ़ी तक होश नहीं आती, पागल पैदा होने लग जाते हैं परिवार में। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। बड़े प्रेम से भगवान का नाम है वो, महादेव के लिए जा रहे हैं, बड़े प्रेम से जाओ, शांति से जाओ, नाम जपते हुए जाओ, नाचो कूदो आनंद मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कीर्तन है भगवान का, कीर्तन में तो झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पर लड़ाई झगड़ा नहीं। ऐसा नहीं कि पीछे से बस आ रही है और बस के आगे बोले ना सारी सड़क कावड़ियों की है, हम नहीं बस को निकलने देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। बस में हमारी बहन है, हमारी माताएं हैं, हमारे बच्चे हैं, परेशान हो जाएंगे सर दोपहर, वो रस्ते में खड़े रहेंगे, आगे भी पहुंचना है हमको। तुम कामड़ी हो, रास्ता छोड़ के प्रेम से चलते रहो, एक बस का रास्ता भी छोड़ दो साइड से। ये थोड़ी है कि हमारी चल रही है, हमको शिवरात्रि तक कोई टोक नहीं सकता और बस आ गई। ज्ञान भी जरूरी है, दिखावा के साथ साथ में ज्ञान भी होना चाहिए, समझ भी होनी चाहिए। भगवान के लिए जा रहे हो तो भगवान तो सब में है, भगवान के भक्तों को परेशान भी नहीं करना चाहिए। अनुराग दोष और हर्ष शोक इनमें संसार भुलाया है, इसलिए मुझे उसने अब तक पहचान जान नहीं पाया है। पहचाना करते वही मुझे जो मुझसे प्रेम बढ़ाते हैं, श्रद्धा से अपने तन मन की जो मुझ पर भेंट चढ़ाते हैं, ऐसे मेरे भक्त जो होते श्रद्धावान मोक्ष प्राप्ति के हेतु करते मेरा ध्यान। अधिदेव और अधियज्ञ तथा अधिदेव जान पाते हैं वे, अध्यात्म कर्म और ब्रह्म है क्या यह मर्म समझ जाते हैं वे। इन बातों का सब तत्व जान वे मुझ में तन्मय रहते हैं, और अंत समय मुझ में रत हो मुझको निशंसय लहते हैं। अर्जुन अब श्री कृष्ण से पूछ उठा यह मर्म, कृष्ण मुझे बतलाइए ब्रह्म है क्या क्या कर्म। होता है अध्यात्म क्या क्या अधिभूत कहाय, कहलाता अधिदेव क्या कहिए सब समझाय। वस्तु कौन अधियज्ञ है किसे कहें अधिदेह, समझा दे यह आप तो मिटे मेरा संदेह। अर्जुन जो नाश न होने, ध्यान से सुनो, कई प्रश्न एक साथ कर दिए अर्जुन ने, एक एक करके ध्यान से नहीं सुनोगे तो छूट जाएगी कोई बात।
और आपको ऐसा लगता होगा कि हम यहाँ की कथा सुन लेते हैं और गेट से निकलते ही भूल जाते हैं सारी, ये ऐसा नहीं होगा। आप के अंतरकरण में भगवान बैठे हैं, ये कथा उनको सुना रहा हूं मैं, आपके हृदय में जो भगवान जी बैठे हैं ना, ये उनको सुना रहे हैं। ये अंदर सेव हो जाती है, जिस दिन जरूरत पड़ेगी ना फटाक से याद आ जाएगी, बोले ये बात तो गुरु जी ने सुनाई थी, वो बता देंगे आपको उसी समय निकाल करके। जैसे मुनीम जी होते हैं ना, सारा हिसाब किताब रोज लिखते रहते हैं, लाला का कोई पता नहीं क्या लिख रहा है क्या नहीं, और जिस दिन जरूरत पड़ती है तो लाला जी कहते हैं मुनीम जी फलाना आदमी आया बताना इसके कितने पैसे लेने देने, तुरंत बता देता एक मिनट में। तो आप कथा जो सुन रहे हो, आपको याद रहे ना रहे, अंदर भगवान बैठे हैं आपके, वो भगवान उसमें सेव हो जाती है, जमा हो जाती है आत्मा में। ये आत्मा का अंश है ये कथा, परमात्मा है ये कथा, और आपके अंदर भी आत्मा है जो वो भी परमात्मा है। ये पूरी की पूरी कथा आपकी आत्मा में उतर जाती है, जरूरत जिस दिन पड़ेगी पटाक से याद आ जाएगी, ये बात तो सुनी थी गुरु जी ने सुनाई थी, काम के टाइम फट से याद आ जाएगी। इसलिए कई प्रश्न अर्जुन ने किए और भगवान उत्तर देते हैं गोपी वल्लभ। गोपी वल्लभ बोले अर्जुन, जो नाश न होने पाता है मैं अविनाशी और अमर तत्व इस जग में ब्रह्म कहता है। जिस चीज का जो होता स्वभाव अध्यात्म वही माना जाता, जिस जग रचना का व्यापार है जो बस वही कर्म है जो ब्रह्म है अविनाशी अमर, वो ब्रह्म कहलाता है जिसे परमात्मा कहते हैं। जो चेत का स्वभाव होता है उसको अध्यात्म कहते हैं। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, भक्ति मने स्वभाव, भक्ति करना चाहते हो अपने स्वभाव को सरल बना लो बस भगत बन गए, उसका नाम है अध्यात्म। संसार के कार्य व्यवहार जिससे चलते हैं उसका नाम है कर्म, कर्म करेंगे तो संसार फर्ज पूरे हो जाएंगे अपने सारे, फर्ज पूरे करना व्यक्ति का काम है। दुख आ गया संकट आ गया और काम छोड़ के बैठ जावे ऊपर से, कोई रास्ता नहीं, दुख संकट सब पे आता है, कोई एक आदमी ऐसा नहीं है कि एक पे ही आता है। ये तो समय है, किसी पे बचपन में आ जाता है, किसी पे जवानी में आ जाता है, किसी पे बुढ़ापे में आ जाता है, बचता कोई नहीं है इसे। बचपन में जिस पे दुख आ गया वो जवानी में संभल जाता है, जवानी में आ गया वो बुढ़ापे तक संभल जाता है। संभल आता सब पे, दुख भी आता है सुख भी आता है और मौका भी सबको मिलता है एक बार, चाहे उत्पात कर लो और चाहे भक्ति कर लो, भगवान अवसर सबको देते हैं, पैसा भी सबको देते हैं एक बार भगवान, चाहे दान पुण्य कर लो चाहे उड़ा दो, वो अपनी अपनी समझे। अच्छी संगति भी सबको देते हैं भगवान, चाहे उस संगति में पढ़ के सुधर जाओ
चाहे उस संगति को छोड़ के भाग जाओ, ना समझ आवे तो भगवान तो भगवान है, पिता है वो जगत के, माता पिता वही है जगत के, और माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या कोशिश नहीं करते। एक बार बच्चा कामयाब नहीं होता दूसरा काम कराते हैं, दूसरे में काश कामयाब नहीं हुआ तीसरा कराते हैं, पढ़ने में कामयाब नहीं हुआ काम धंधा सिखाते हैं, काम धंधे में कामयाब नहीं हुआ विदेश भेज देते हैं, जो भी आप कहोगे आखिरी सांस तक माँ बाप बच्चे के साथ खड़े, बेटों के साथ खड़े, फिर पोतों के साथ खड़े। भैया तुम काम याब हो जाओ, जो तुम्हारा मन करे सो कर लो, पर अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपनी पसंद की पढ़ाई कर लो। हमारे तो चाहे शरीर बिक जावे, चाहे 60 लाख रुपए लग जावे, कामयाब हो जाओ। करते हैं कि नहीं करते? भगवान भी ऐसे ही करते हैं, अपने बच्चों को कामयाब। मेरे प्रभु कहते हैं भैया भजन कर लेते, बोल तेरे को क्या चाहिए। भगवान सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं जीव की। 1 लाख बार तो दुख से बचाते हैं। बच्चा रोज गलती करता है, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, आज आगे से नहीं करनी। जैसे माँ कहती है ना अपने बच्चे की गलती, माँ को पता लग जाती है मेरा बच्चा गलत काम करके आया, माँ कहती है थप्पड़ मारूंगी और आगे से ध्यान रखना, आज तो मैंने बचा दिया। हाँ आज तो बचा दिया मैंने, आगे से नहीं ऐसा काम करना। और ये भी एक बार भी नहीं बताना, हाँ हमारे घर की बात है, तेरी इंसल्ट होगी तो हमारी होगी। देखो माँ क्या बनाया भगवान ने माँ को, बच्चे की गलती है, बच्चे ने गलती करी है, माँ कहती है तेरी इंसल्ट हो जाएगी तो हमारी सब की हो जाएगी, बताना भी नहीं, और माफ भी कर दिया तेरे, और आगे से करनी नहीं कोई गलती। ऐसे ही भगवान माँ की भी माँ है, वो तो जगत के माता पिता जगत पति, क्या क्या गलतियां वो माफ नहीं करते जीव की। और एक ही बात कहते हैं बस, अंदर बैठे रहते हैं 24 घंटे, कहीं से आना जाना नहीं है उनको, और अंदर बैठे बैठे कहते रहते हैं भैया भजन कर लो, आवाज देते हैं अंदर से भजन कर लो। जैसे माँ कहती है अपने बच्चे को, रे बेटा रे आ गया तू, कहाँ जा रहा है, आते भी टोकेगी और जाते भी टोकेगी, आवाज सुन जाए माँ को बस इतनी खुश हो जाती है, आ गया मेरा बेटा बोल रहा है। हाँ बोल से ही खुश, गली में बोल रहा है, बच्चों से बोल रहा है, बहू के साथ बोल रहा है, आ गया अब मेरे को कोई चिंता नहीं, बस आ गया, बस इतना पता लग गया भाई आ गया, माँ के पास आया भी नहीं अभी, माँ पहले ही खुश है बस। और जब जाता है तो उसको 100 बार सोचेगी ठीक ठाक से जाना, देर से जाना, और अगर काम चलता तो रहने दे, क्या जाने की जरूरत है, काम देख ले, फोन करके देख ले, काम सर जाए रह जा, मेरे पास से रहो कहीं नहीं जाना। पहले तो बुढ़िया माताएं थी, बहुत बुढ़िया माताओं ने तो अपने बच्चों को पढ़ाया ही भी इस चक्कर में। हाँ स्कूल का टाइम होता है, बच्चा रोने के लग जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, माँ कहती है अच्छा कोई ना जा, हमने कहीं नहीं पटवारी लगाना, ना जा बस, हाँ बता मेरे बेटे को रुला रखा सवेरे सवेरे, ना जा बस, क्या कराना हमने, 2 रोटी भगवान दे देगा। अब मैंने बाद में पूछा भाई तू पढ़ा नहीं, बोले इससे पूछ, मैंने लड़के से पूछा, कई कई बच्चों से मैंने पूछा, मैंने कहा तू पढ़ा नहीं, बोले इससे पूछ मेरी माँ से, स्कूल में ही नहीं जाने दिया, बोले ना ना
क्या मैं रोने लग जाता और ये कहते कोई बात नहीं, हमने कहीं नहीं पटवारी लगाना, हाँ बैठा रहे बस आराम से घर में खुश रहो। एक तो बेटा हमारा उसी को एक लड़के को स्कूल में भेज दिया अध्यापक के पास, और हर स्कूल का काम करा ही नहीं उसने, काम नहीं करा स्कूल का, और मार चुना एक नहीं धमका दिया, और लड़के ने तो आप घर कह दिया हम नहीं जाते स्कूल में आज के बाद। उसका दादा कह रहा क्यों मार चुना डांटता, दादा कह रहा चल मैं चलता हूँ मास्टर के पास। जाके कहने लगा मास्टर जी हमारा बच्चा काम करे ना करे, ना ना हाथ नहीं लगाना, कुछ कहना ही नहीं। मास्टर जी कहने लगे फिर ऐसा करो ताऊ जी इसको घर में ही रख लो, स्कूल में भेजने की क्या जरूरत है। तो उसका दादा कह रहा मास्टर जी हम तो रिश्ते के लिए भेज रहे हैं, हाँ भाई ये कहना है बस बच्चा पढ़ रहा है ब्याह हो जाएगा इसका इस चक्कर में, बाकी तो जमीन है पड़ी है हमारे, हमने क्या कराना है पढ़ा लिखा के। जमाना था एक लेकिन अब युग बदला है, शिक्षा बड़ी आवश्यक है बहुत जरूरी है, और माताओं की बहनों की बेटियों की शिक्षा ज्यादा जरूरी है। कन्या देवियां पढ़ो लिखो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, किसी के भरोसे रहना नहीं, क्योंकि स्मार्ट ज्यादा मतलब स्वार्थ ही ज्यादा हो गया, कोई किसी का नहीं है। एक मिनट में छोड़ देते हैं, जो जो इंसान माँ बाप को छोड़ सकता है दूसरा क्या लगा किसी का। जो इंसान 10 साल बड़द को बाके और बुढ़ापे में उसको निकाल देते हैं गड़खोल, क्या भरोसा उन लोगों का। अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने इतने लायक बनो कि घर वाले आपके पीछे पीछे फिरे, हाँ तनख्वाह किस दिन आएगी, हाँ ये बात है ना सही भाई। इसमें जिस चीज का जो होता स्वभाव अध्यात्म वही माना जाता, जग रचना का व्यापार है जो बस वही कर्म है कहलाता, मिट जाना गुण है जो जगता अधिभूत वही माना जाता, जीवों में जो चेतनता है अधिदेव वही बस कहलाता, अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी है सो अर्जुन मैं कहलाता हूँ, सब देहों में अधिदेह एक बस मैं ही माना जाता हूँ, जो मुझे याद करता करता प्राणी शरीर तज देता है वो सीधा मुझ तक आ करके निश्चय मुझको पा लेता है, प्राणों को तज थे समय जीव जिसमें भी ध्यान लगाते हैं पर लोक पहुँच कर उसको ही वे जीव अंत में पाते हैं। ये कथा समय के प्रभाव की वजह से विश्राम लेती है, बाकी कथा कल सुनाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्यारित तारे हर्षित महतारी मुनि मन धारी अद्भुत रूपम लोचन अभिरामा तनु धन श्यामा निज आयुध भुज भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु कहते कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना तेज पुरानी करुणा सुख सागर सब गुण आ
जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए कि पुरुष भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सत गुरुदेव।